नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं टेस्टी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ में किया। नजर डालते हैं आज की खबर। कहने को तो स्वास्थ्य विभाग जीवन भी देती है और मौत भी, लेकिन जब मौत होती है तो उस परिवार का सब कुछ छिन जाता है, और तब जब वह मौत स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हो। ऐसा ही मामला उस समय आया जब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक बुजुर्ग महिला की एम्बुलेंस के अभाव में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का जिला अस्पताल, जहां एक बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब थी और वो 2 दिन से जिला अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान महिला की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने महिला को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन काफी गरीब थे, इसलिए उन्होंने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद आधे घंटे में एम्बुलेंस मिलने की बात कही गई। लेकिन परिजन बार बार फोन कर रहे थे और वहां से यही जवाब मिल रहा था कि अभी एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, लेकिन एम्बुलेंस 6 घंटे के बाद पहुंची, तब तक महिला की मौत हो गई थी। इस घटना से नाराज परिजनों ने महिला का शव जिला अस्पताल के सामने रखकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं घटना की जानकारी होने पर सदर कोतवाल समेत उपजिला अधिकारी मौके पर पहुंच मान मनोबल में जुट गए। काफी प्रयास के बाद परिजन शव को लेकर अपने घर वापस गए। इस बाबत स्थानीय लोगों का कहना था कि 108 एम्बुलेंस को लगातार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिस कारण आज एक गरीब महिला की मौत हो गई है। इनके परिवार में सिर्फ एक लड़का है जो बाहर काम करता है। इनके पति की पहले ही मौत हो चुकी है। इस घटना की जानकारी जब हम लोग को हुई तो हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिसके बाद हम यह मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए। यहाँ 108 एम्बुलेंस वाले प्राइवेट एम्बुलेंस से मिलकर गरीबों का शोषण करते हैं। वहीं मौके पर पहुंचे उपजिला अधिकारी का कहना था कि कुछ लोग शव रख कर जाम लगाए थे, उन्हें समझा बुझा कर घर भेज दिया गया है। इनका आरोप है कि एम्बुलेंस के अभाव में महिला की मौत हुई है, इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। अगर यह मुआवजे की परिधि में होगी तो मुआवजा दिया जाएगा। जनपद में एम्बुलेंस के अभाव में यह पहली मौत नहीं है, इसके पहले भी कई मौत हो चुकी है, और अधिकारी सिर्फ जांच का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले को भी ठन्ने बस्ते में रख दिया जाएगा या फिर एक मौत को सिर्फ मौत मानकर अपने कार्यों के स्थिर कर दिया जाएगा। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी सूचना मिला कि एक महिला कल से इलाज के लिए यहाँ भर्ती थी और अचानक आज तबीयत उसका खराब हुआ, डॉक्टर रेफर किए हैं। एम्बुलेंस वाले 108 पे बात हुई है एम्बुलेंस आने के लिए, उसने कहा कि अभी आधे घंटे में आ रहे हैं, और आधे आधे घंटे करते करते 6 घंटे हो गए। 6 घंटे बाद एम्बुलेंस है, तब तो महिला की एक्सपायर कर गई है। उस महिला के आगे पीछे कोई नहीं है, उसका पति काफ़ी पहले एक्सपायर कर गया है, उसका एक बेटा है जो बाहर रहता है, जैसा अभी जानकारी मिली है। उसके आस पड़ोस वाले इलाज करा रहे थे। उसकी जब ये घटना जानकारी हुई है यहाँ के नौजवानों को, छात्रों की, छात्रताओं की, तो उन्होंने आया यहाँ और उस महिला को मदद करने का प्रयास किए, लेकिन तब तक एक्सपायर कर गई थी। काफ़ी नौजवान उग्र हैं, एकार हैं, सबकी मांगे हैं कि जब तक आला अधिकारी CMO साहब या जिले का अधिकारी नहीं आ जाते हैं, तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। और जो भी इसके दोषी हैं, डॉक्टर से लेकर के एम्बुलेंस चालक जो था, जो झूठ आश्वासन देता था कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, नहीं आया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पास जो है कुछ लोगों ने शव रख के जाम किया था, आकर के समझा बुझा जाम हटवा दिया गया। इनका कहना है कि एम्बुलेंस लेट से आई है, उसके मतलब से जाँच कराई सर नहीं आई है समय से, तो ये देखा जाए कि कॉल किया है, उसकी जांच अलग से करेंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? जांच आने के बाद एक दोषी पाया जाए उसे कार्रवाई की जाएगी। सर क्या मृतक महिला को कुछ सहयोग भी किया जाएगा? सहयोग को देखा जाएगा, अगर परिधि में आते हैं जरूर कराया जाएगा। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।